नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले करेंगे वादा पूरा, एक माह के अंदर लाएंगे युवाओं के लिए बंपर नौकरियां। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, 24 अगस्त को सदन में होगा फ्लोर टेस्ट। पूर्णिया जिला अंतर्गत कस्बा थाना क्षेत्र के कॉलेज चौक के समीप टायर फट जाने से बेकाबू होकर पलटी मारुति सुजुकी वैगनआर कार, दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब पुलिस ने किया जब्त। किशनगंज से एक दर्दनाक घटना आई सामने, महज 10 रुपए की बिस्किट की पैकेट चुराने के आरोप में लोगों ने 4 बच्चों का सिर मुड़वाकर चटवाया थूक, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े डकैती का मामला आया सामने, एक घर में किशोरी अपनी बुजुर्ग दादी के साथ थी अकेले, दोपहर में चाय पत्ती बेचने के बहाने घर में घुसे अपराधी की करीब 50 लाख के सामान की चोरी, घटना की जानकारी के बाद इलाके में फैली सनसनी। राज्य सरकार शराबबंदी कानून का पालन करने के लिए लगातार बरत रही है सख्ती, राज्य में एंटी लिकर टास्क फोर्स ने पिछले 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 8440 लोगों को किया गिरफ्तार, वहीं टास्क फोर्स के द्वारा 233 स्थानों पर की गई छापेमारी। IGIMS में नई तकनीक से 15 मिनट में होगी मोतियाबिंद की सर्जरी, चश्मा पहनकर निकलने के करीब 2 घंटे बाद आंखों से देखने लगेंगे मरीज, नई तकनीक से आपकी सर्जरी होगी और आसान। भोजपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, पटना एम्स में इलाज के दौरान एक महिला का एक व्यक्ति से प्यार चढ़ा परवान, तो महिला ने 90,000 रुपया देकर अपने ही पति की करा दी हत्या, पुलिस ने महिला समेत अन्य लोगों को किया गिरफ्तार। जमुई के सिमुतल्ला में एक पत्रकार को अपराधियों ने दिन दहाड़े मारी 3 गोली, आनन फानन में ले जाया गया अस्पताल जहां डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, घटना के बाद लोगों में आक्रोश और हड़कंप का माहौल। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को बताया विश्वासघाती, कहा नीतीश कुमार ने 2 साल तक किया बर्दाश्त, ललन सिंह ने लगाया आरोप, बीजेपी ने जदयू को खत्म करने की रची थी साजिश। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दी बधाई, बोले अब विकास के पथ पर सरपट दौड़ेगी बिहार, दोनों नेताओं ने देश के विपक्षी दलों को दिखाई राह। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने नए गीत से बिहार के राजनीतिक हालात पर कसा तंज, चाचा भतीजा राजी, भार में जाए फूफाजी गीत सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार, नीतीश कुमार और तेजस्वी के शपथ ग्रहण के बाद तेज प्रताप यादव ने दी बधाई, बोले परम आदरणीय चाचा व अनुज को बधाई। गोपालगंज के कुचायकोट स्थित सासा मूसा के पास NH 27 पर हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत जबकि दूसरा हुआ घायल, ट्रक को जब्त कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। सुल्तानगंज में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूब रहे 3 बच्चों को बचाने के दौरान मां की हुई मौत, शव की खोजबीन के लिए SDRF की टीम चला रही है अभियान। पटना के एक शोरूम में 25 लाख रुपए की हुई लूट, विरोध करने पर चाकुओं से गोद कर बदमाशों ने की गार्ड की हत्या जबकि दूसरा गार्ड घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के कुलाधिपति डॉक्टर महेश शर्मा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा, प्रतिनिधिमंडल में जानवी शेखर, आशीष कुमार, किशन श्रीवास्तव और मंगल सिंह रहे शामिल। और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पूर्वी चंपारण के केसरिया में भी दिखा जश्न का माहौल, महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, एक दूसरे को दी बधाई। अभी के लिए बस इतना ही, एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।